मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बीजेपी के पदाधिकारी शादाब शेख ने बीजेपी माइनॉरिटी महिला प्रमुख रीदा रशीद पर आरोप लगाया है कि रीदा रशीद ने मेरे खिलाफ लोगों को भड़काया है। साथ ही बताया कि सीएम चषक के दौरान मंत्री के साथ फोटो खिंचवाने को लेकर विवाद हुआ था। इसके अलावा काम करने को लेकर भी रीदा रशीद पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है, यानी शादाब के अनुसार काम नहीं करने दिया जा रहा है, पार्टी में उन्हें मान सम्मान नहीं मिल रहा है और अंबेडकर पाड़ा के लोगों को भी भड़काया है। इसी तरह का शादाब शेख ने रीदा रशीद पर आरोप लगाया है। शादाब शेख ने क्या कुछ कहा है हम आपको सुनाते हैं। रीदा जी बोली थी, मेरे को बोली थी, हम लोग नाराज होकर दो दिन नहीं गए, एक दिन नहीं गए तो दूसरे दिन कॉल करके फिर हमको बुलाया गया। हम लोग गए वहाँ पर तो फिर हम लोगों का अलाउंस किया गया, हम लोग गए उस पर गए तो फोटो हम लोगों को फ़ोटो खिंचाया गया कि चलो नाराज़गी ख़त्म करने का। फिर उसके बाद से उत्पीड़न चालू हो गया हमारे ऊपर कि बीच में मैटर ये हो गया था कि साहिस्ता मैडम थी उनसे कुछ कासिफ से लफड़ा हो गया था, बच बचाव में हम लोगों को भी उसमें घसीट दिया गया। मैं मुंबरा में आई हूँ, आप ये काम मत करो, मैं करूँगी काम। तो हम एक कार्यकर्ता हैं, पच का काम कर रहे हैं, कोई भी काम हम पच का काम कर रहे हैं, अपने घर के काम नहीं कर रहे। अभी हाल में ही ये मेरे को बोला गया कि आप दोनों लोग आपस में लड़ते हो। मैं कहा ठीक है मैडम, हम लोग दोनों लड़ते हैं, हम लोग एक ही है कार्यकर्ता, आपस में थोड़ा सा थुतु मैम हो जाता है लेकिन हम पच का काम करेंगे, पच में एक साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि पच में नहीं, देखो जैसा मैं बोलूँगी वैसा काम करना पड़ेगा। तो मैं कहा भाई मेरे से ये नहीं हो, एक कार्यकर्ता को पगार नहीं मिलती और सम्मान के लिए, और मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया जाता है कि इनसे पैसा ले रहा है, उनसे पैसा ले रहा है। मैं बोलता हूँ कि ठीक है अगर मैं पैसा किसी का लिया हूँ तो प्रशासन मेरे को फांसी चढ़ा दे, मैं दोषी हूँ तो प्रशासन मेरे को फांसी चढ़ा दे, मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूँ। आज मैं मीडिया के सामने इसीलिए मैं खुलकर आया हूँ कि मेरे ऊपर झूठा आरोप। ये 4 महीने 6 महीने से जब तक मैडम आ गई यहाँ पर तब से हम लोगों को तकलीफ़ होने लगी। अभी बीच हाल ही में कल का जो मामला है वहाँ पर कि अम्बेडकर पाड़ा में ये बोरिंग मारने के लिए, तो ऑफिसर से रिक्वेस्ट किया गया था, ऑफिसर बोला कि अगर कंप्लेन आएगी तो हम आएंगे, तो उन्होंने आकर गाड़ी रुकवा दिया और गाड़ी सील करने की बात कर रहा था लेकिन रिक्वेस्ट करने पर छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि मुद्दा आपका ये है कि आपको परमिशन लेना है तो एक प्रोसीजर बताया कि इस प्रोसीजर के आधार पर हो जाए, तो उस प्रोसीजर में कानूनी प्रोसीजर में जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने उनको बोला कि 100% करा कर दूंगा और वहाँ पर राजनीति करी गई, वहाँ पर लोगों को भड़का दिया गया कि शादाब ये उल्टा कर रहा है, घुमा रहा है, ये पैसा खाने की कोशिश कर रहा है। इसका हम बहुत जल्द मीडिया को खुलासा हो जाएगा कि हम कहां जाना चाहते हैं। रीदा रशीद ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। रीदा रशीद ने इस पर क्या कहा है? शादाब ने आपके ऊपर कई आरोप लगाए हैं कि आप जो है उनके साथ मतलब ठीक व्यवहार नहीं है, कार्यकर्ता का मान सम्मान नहीं होता है। आपने शायद उन्हें कहा है कि जो है आपकी औकात नहीं है कि मिनिस्टर के साथ आप फोटो खिंचाए। बिल्कुल गलत है शादाब भाई का, अगर ऐसा होता तो दूसरे दिन मंत्री साहब के साथ उनका मैं उनके हाथों से उनका मान सम्मान नहीं करवाती, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे लिए एक कार्यकर्ता या फिर 10 कार्यकर्ता हो सब एक जैसे हैं, मैं भी उनकी जैसी हूँ तो मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, तो मैं उनका दूसरों का मान सम्मान कैसे नहीं करूँ। अम्बेडकर पाड़ा वाले लोग खुद से पुलिस के पास गए हैं, उन्होंने वहाँ पर जो स्टेटमेंट देना था वो दिया है। अम्बेडकर पाड़ा में तो मैं खुद शादाब भाई के साथ गई थी तो मैं तो किसी को जानती ही नहीं थी, लेकिन कल जब मुझे फ़ोन आया तो हमारा जो प्रोटोकॉल के हिसाब से मैंने मंडल अध्यक्ष के पास डाइवर्ट कर दिया था, लेकिन जब पुलिस के पास गया है मैटर तो पुलिस देखेगी, मैं क्यों कानून के बीच में आऊँ और मैं क्यों उस पर काम करूँ। जो पुलिस के पास गया है वो पुलिस देखेगी, उसमें मैं कुछ नहीं बोलती। ये आप लोग देखिए, अगर किसी को गलत में साथ देना हो तो रीदा रशीद हो या हमारी पार्टी हो बिल्कुल नहीं देगी, सच और झूठ वो पुलिस देखेगी और पुलिस का काम है वो पुलिस करेगी, तो उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती। एक तरफ जहां शादाब ने आरोप लगाया है वहीं दूसरी तरफ रीदा रशीद ने कहा है कि शादाब
झूठ बोल रहा है। अंबेडकर पाड़ा के लोग खुद शादाब के खिलाफ हैं। मैंने किसी को शादाब के खिलाफ नहीं भड़काया है। पुलिस के पास ये मामला है, पुलिस सच और झूठ का फैसला करेगी। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।